मेलड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे। जैद तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसके डैड उसके साथ इस तरह का रवैया रख सकते हैं। वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो आयरा से किस हद तक मोहब्बत करता है, लेकिन उन्होंने पहले ही आयरा को जैद की जिंदगी से दूर करने का प्लान बना लिया। डैड, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपसे एक ख्वाहिश ही की थी, लेकिन आप मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे? ये मैं सोच भी नहीं सकता था। जैद, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही किया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो मिडिल क्लास लड़की उसे मैं तुम्हारी जिंदगी में आसानी से आने देता? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, और तुम तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस लड़की के इस घर में आने के बाद लोग हम पर किस तरह की बातें बनाते। लेकिन अब हम उस लड़की का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मुबशरा अब तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई है, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। डैड, ये सब कुछ भी आपने मुझसे करवाया है, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो इस घर में खुश रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपने आयरा को मेरी जिंदगी से दूर कर दिया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था। शुक्र है उसने मुझे आपकी हकीकत के बारे में सब कुछ बयान कर दिया, वरना मैं तो ये जान ही ना पाता कि आप मुझसे किस हद तक नफरत करते हैं। जैद, तुम हद से आगे बढ़े हो। तुम ये बात अपने जहन में बिठा लो कि वो लड़की इस घर में मेरे होते हुए नहीं आएगी। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।